welcome back to my channel. So I have no makeup because today I am going to do a video jo main bahut time se nahi kiya. I don't think maine kabhi bhi is channel pe video kiya hai, but I am going to do my makeup using products that I hate. I absolutely cannot stand these products. So I hope that you guys enjoy watching this video, and if you're new here, make sure you subscribe, click on the bell icon, you can follow me on Instagram, and we'll just get बिफोर आई स्टार्ट. ये डिस्क्लेमर है उन लोगों के लिए जो बहुत सेंसिटिव है. अगर इनमें से कोई भी प्रोडक्ट आपको बहुत पसंद है एंड आपके लिए काम करता है, देन आई एम हैप्पी फॉर यू, गुड फॉर यू, बट दे डोंट वर्क फॉर मी एंड दिस इज जस्ट माई ओपिनियन. सो या ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैंने ऑलरेडी प्राइमर लगा लिया है. मेरे पास कोई ऐसा प्राइमर नहीं है जो मुझे नहीं पसंद, सो आई एम जस्ट गोना गो एंड डू माई फाउंडेशन. फॉर माई फाउंडेशन आई हैव द लॉरियल इनफेलेबल प्रो फाउंडेशन. दिस इज अ प्रो डेमी मैट फिनिश एयर लाइट ऑयल फ्री फाउंडेशन. मेरा शेड है नेचुरल बेज. सो दिस इज अ ब्लू हेवन स्पंज. एंड वाई आई डोंट लाइक दिस फाउंडेशन, ओके, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई हेट द पैकेजिंग. दिस पैकेजिंग, ये जो ट्यूब है इसका, इट इज सो चीप, लाइक आई कॉन्ट इवन डील. ये इतना महंगा फाउंडेशन है. रिटेल्स फॉर मोर देन 1000 rupees. सेल पे मैंने, मुझे थोड़ा सस्ता पड़ा था, बट स्टिल लाइक इट्स नॉट अ चीप प्रोडक्ट बाई एनी मीन्स. सो इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव. ऑल्सो इट जस्ट सेटल्स वेरी क्विकली ऑन योर फेस. सो लाइक आपको, आई डोंट नो, लाइटनिंग स्पीड में इसको ब्लेंड करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल जस्ट लुक वेरी केकी. एंड इट जस्ट, कैन यू गाइस सी, इट हैज नो कवरेज. आई एम गोना अप्लाई अनदर लेयर, एंड मैं इस साइड पे नहीं लगा रही बिकॉज आई फर्स्ट वांट यू गाइस टू सी की द शेड मैच इज प्रीटी गुड, नॉट गोना लाई, बट दैट्स वेयर द गुड थिंग्स एंड. सो मैंने फाउंडेशन लगा लिया है, एंड दिस साइड इज विद फाउंडेशन एंड दिस साइड इज विदाउट फाउंडेशन. Honestly, there isn't much difference and nobody can tell me otherwise. Like I can see, मेरे यहाँ पे ये mark दिख रहा है, and this has like sheer to medium coverage. And everybody said कि ये बहुत full coverage foundation है. Lies, I'm telling you, these are lies. And the proof is right in front of you. This is after 2 layers. Now on this side, you guys can see कि it's barely any coverage यार. Like I know I'm not seeing things. Onto the concealer. Oh my god, the most frustrating concealers of my life. First is this Makeup Revolution concealer, and ye shade hai C10. And the next concealer that I hate with a passion is this Maybelline Fit Me concealer. ये जब नया नया लॉन्च हुआ था तब मैंने इसको ट्राई किया था, एंड आई ट्राइड इट इन द शेड लाइट. आई ट्राइड इट इन द शेड मीडियम, क्योंकि पहले मुझे लग रहा था दैट द शेड इज एन इशू. नाउ आई हैव द शेड सैंड एंड इट स्टिल डजंट वर्क. इसमें कोई कवरेज ही नहीं है, एंड एवरीबडी लव्स दिस. आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड वाई. एंड एवरीबडी सेज कि ये बहुत अच्छा मीडियम फुल कवरेज कंसीलर है. मुझे, आई जस्ट डोंट सी इट, आई एम सॉरी, आई डोंट सी इट. एंड या, कैन यू गाइस सी, दिस इज सैंड एंड दिस इज वे टू लाइट. ना मुझे इसका पैकेजिंग पसंद है. इसका वॉन्ड इज टू थिन, इट लुक्स लाइक अ लिपस्टिक एप्लीकेटर, एंड ऑल्सो इट जस्ट सेपरेट्स ऑन माई अंडर आईज. इट जस्ट लुक्स वियर्ड, आई डोंट नो, इट डजंट लुक गुड, इट नेवर लुक्ड गुड. एंड अभी भी आई डोंट नो वॉट आई वॉज एक्सपेक्टिंग. आई वॉज लाइक मे बी आई लाइक इट बिकॉज एवरीबडी लाइक्स दिस, बट आई डोंट लाइक इट. आई डोंट नो, कैमरा पे मे बी ठीक लग रहा है. दिस इज अ गुड कैमरा, एवरीथिंग लुक्स गुड इन दिस. लाइक आई लुक फाइन विदाउट मेकअप ऑन इन दिस कैमरा. आई डोंट लुक फाइन विदाउट मेकअप इन रियल लाइफ. सो या सी, कैन यू गाइस सी कि कैसे सेटल हो रहा है मेरे फाइन लाइन्स में. ओके, इनफ अबाउट दैट मेबलिन कंसीलर. नाउ वी आर गोना मूव ऑन टू द मेकअप रेवोल्यूशन कंसीलर डिफाइन. इट्स इन द शेड C10. आई हेट दिस इक्वली एंड इट जस्ट मेक्स मी लुक ओल्ड. आई एम सॉरी अगर लाइटिंग में थोड़ा इश्यूज है, क्योंकि मैं विंडो के सामने फिल्म करी. आई डू हैव माई रिंग लाइट, बट या आई जस्ट वॉन्टेड मोर लाइट इन दिस वीडियो, सो जस्ट फॉरगिव मी फॉर द लाइटिंग. एंड ये भी बहुत ज़्यादा मेरे अंडर आइज में क्रीज हो जाता है, एंड इट जस्ट सेटल्स ऑन माई फाइन लाइन्स, एंड इट्स नॉट अ गुड टाइम. आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट इट डजंट लुक गुड, एंड फोटोज़ वगैरह में भी बहुत बुरा लगता है. मूविंग ऑन, आई हैव माई मीना बनाना पाउडर. आई डोंट hate this powder, I'm just using it to set my face. Moving on to eyeshadow, I have the NYX Ultimate eyeshadow palette. Now मैंने इसको एक दो बार use किया है, not gonna lie, and this is what it looks like. ये बहुत ही ज़्यादा एक famous
हाई शेडो पैलेट है ब्यूटी कम्युनिटी में. आई डोंट सी इट, आई मीन द कलर्स आर गॉर्जियस, डोंट गेट मी रॉन्ग, दैट इज आई बॉट इट. आई स्पेशली गॉट इट फ्रॉम अमेरिका. बट दिस लाइक सम कलर्स आर पिगमेंटेड, सम आर नॉट, बट ओवरऑल पिगमेंटेशन इज रियली डिसअपॉइंटिंग. नाउ दिस इज नॉट अ ट्यूटोरियल, आई एम जस्ट गोना पिक अप रैंडम कलर्स एंड जस्ट यू नो गो विद इट बिकॉज आई डोंट रियली केयर. आई एम टेकिंग बोथ द येलो शेड्स ऑन अ फ्लफी ब्रश एंड आई एम गोना अप्लाई दिस ऑन माई क्रीज. एंड यू गाइस कैन टेल मी खोल इफ यू गाइस कैन सी एनीथिंग बिकॉज आई कांट. टू बी ऑनेस्ट, मेरा जो कलर पॉप का शेडो पैलेट है वो काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है. सो या मे बी आई नीड लाइक अ मैक का जो पेंट पॉट आता है, बट वो बहुत महंगा है. सो आई एम नॉट गोना लाइक स्पेंड 2000 रुपीज ऑन अ कंसीलर. आई फील लाइक आई शेडो शुड वर्क ऑन नॉर्मल कंसीलर्स ऑल्सो बिकॉज लाइक वो भी प्राइमर की तरह ही है. एंड ऑल ऑफ माई शेडोज वर्क ऑन माई आईलिड्स अपार्ट फ्रॉम दिस. ओके, नाउ आई एम गोना टेक दिस पिंक शेड. कैन यू गाइस सी दैट? दैट इज सो बैड. Nobody can change my mind about this palette. That is so bad. And I'm gonna use a makeup setting spray and देखते हैं कि उसके बाद ये कैसा work करता है. Maybe I'll change my opinion. Okay, so I'm gonna take my blue heaven का fixer. So I'm gonna take a different color. Let's take this. What is up with this palette? Oh my god. Okay, so I want to take this green and I'm gonna take a good amount and then I'm gonna place it apne outer corner mein. Oh, this green is still pigmented. Yeah, this green is still okay, but wahi hai, like it's not like as pigmented as I would want it to be. Now I'm gonna take this lime green. I hope that this lime green works. And I'm gonna apply it बिल्कुल ही सामने. ओके, सो फार दिस इज व्हाट माय आईज लुक लाइक. ओके, सो आई एम गोना अप्लाई दिस यही कलर विद माय फिंगर एंड सी एंड मिक्स इट विद दिस एंड देन आई एम गोना अप्लाई इट विद माय फिंगर ऑन दिस आई जस्ट टू सी. So what I was trying to see is ki if they apply better with fingers, and of course they apply better with fingers. This blue here, right here, ye kafi pop kiya. The green looks almost the same. I mean brush ke saath bhi uska pigmentation utna hi tha. Okay, so after applying almost all the shades from this palette, main is conclusion pe aayi hu ki I am still not the biggest fan of this palette. It's okay, but I would not recommend you guys to get it. And agar mujhe fingers se hi आई शेडोज सारे लगाने होते देन यू नो दैट्स नॉट हाउ आई लाइक टू डू थिंग्स. सो आई वुड पास दिस. नाउ फॉर ब्लश आई हैव द मिलानी ट्रियो. ये भी अगेन मैंने यू एस से मंगवाया था एंड दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. दिस इज लिटरली, दिस अगेन हैज नो पिगमेंटेशन. मेरा आधे से ज़्यादा इन प्रोडक्ट से प्रॉब्लम ही है कि इनमें कोई पिगमेंटेशन नहीं है. सो आई एम जस्ट गोना मिक्स ऑल ऑफ देम एंड यू एस कैन सी कि मैं काफ़ी ज़्यादा ले रही हूँ. This video is really testing me at this point. I'm getting so frustrated because I'm trying everything at once that I don't like. Anyway, again, we're gonna do this one last time. I want you guys to honestly comment, honestly tell me if you guys see any pigmentation. मैंने जिस हिसाब से इसको इसमें घिसा है एंड उसके बाद अपने फेस पे लगाया है उसके बाद मुझे ये पिगमेंटेशन जो भी है ये मिला है. ओके, सो फॉर हाइलाइटर्स आई हैव टू ऑप्शंस. एक है ये लॉरियल का ब्रॉन्ज एंड ग्लो एंड दिस इज द हाइलाइटर राइट हियर. दिस लिटल थिंग, इट्स अ हाइलाइटर इफ यू कैन कॉल इट दैट. I'm just gonna take a generous amount on my fan brush. How dare
hair. They call this bronze and glow. I mean, how can you use the word glow for a product that has this? I don't have words for this bronze and glow. The bronzer is exceptional and I'm so glad ki inhone isme bronzer hi zyada diya hai and ye jo hai ye kam hai. Okay, so I have an eyeliner for you guys and ye hai nikah ke ka auto eyeliner. I had to stab myself in the eye to get this amount of pigmentation and it's not worth it because your eyes will pain and eyes bahut sensitive hoti hai, so you shouldn't use anything jo bahut harsh hoga. This to me is harsh. To complete this beautiful makeup look, I have two lip options and both are by NYB. Ye unke liquid lipsticks hai. I really like this one. The color, actually the color is Retro Nights. Iska formula is very drying, especially right now kyunki abhi mere lips zyada hi dry ho rahe hain and it just looks very crusty and it's very patchy. Stunning, I will give it that. Ye color bahut hi zyada pretty hai. It looks really nice and it really compliments me, but that is about it. And it is uncomfortable and I can only wear it for a video kyunki mujhe bahut uncomfortable lagta hai. And yeah, this is the finished makeup look. What do you guys think? I mean, I did make it work in the end. Like, it doesn't look like awful because I did it, so itna bura nahi lag sakta. But I'm kidding. The eyes look really weird. Maine mascara nahi lagaya because I'm just gonna take it off right now. And yeah, let me know what you guys think of the products. Agar aapne kuch use kiya hai, aapko kaisa feel hota hai. And yeah, don't take this video personally. And I will see you guys next time.